गंगा तेरा पानी अमृत, ये सुंदर और लोकप्रिय गीत आपने जरूर सुना होगा। 1971 में गाया गया यह गीत आज भी अपनी पंक्तियों को सच करता दिखाई दे रहा है। एम्स द्वारा किए गए रिसर्च में गंगा जल में रामबाण दवा का पता चला है। एम्स का दावा है कि जिस संक्रमण के इलाज में एंटीबायोटिक फेल हो जाएगी, उसका इलाज गंगा जल से किया जा सकेगा। गंगा नदी के पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे गंगा जल खराब नहीं होता, ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन गंगा जल में औषधीय गुण पाया जाता है ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सच है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिसर्च में ये बात सामने आई है। एम्स के रिसर्चर के अनुसार गंगा जल में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानों में गंभीर संक्रमण के इलाज में एंटीबायोटिक से भी ज्यादा असरदार हैं। बता दें कि एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 साल पहले गंगा जल पर रिसर्च शुरू किया था। रिसर्चरों की टीम ने वाराणसी के अलग अलग घाटों से गंगा जल का नमूना लिया था। जांच के दौरान उन्हें गंगा जल में एक ऐसे बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला जिसका डीएनए ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन का इलाज कर सकता है। डिपार्टमेंट ने इस बैक्टीरिया को सूडोमोनस एरुजिनोसा नाम दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में तमाम एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। यूरिन इन्फेक्शन, गंभीर वर्न इंजरी, सर्जरी के दौरान लगे कट, निमोनिया जैसे लंग इन्फेक्शन में कई एंटीबायोटिक अपना असर खो रहे हैं। ऐसे में गंगा जल में पाए गए इस बैक्टीरिया ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। रिसर्चरों ने महसूस किया कि गंगा जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तमाम तरह के संक्रमण के इलाज में मौजूदा उपलब्ध एंटीबायोटिक की जगह ले सकते हैं। रिसर्च टीम ने बताया कि गंगा जल में मिला ये नया बैक्टीरिया इंसानों के इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदायक नहीं है, जबकि कई एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। टीम ने बताया कि एमीपेनेम और एमिकोसिन जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण के इलाज में बेअसर साबित हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया भी ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सीमित एंटीबायोटिक ही कारगर हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। इससे इलाज कराना ज्यादा खर्चीला है। रिसर्च टीम में शामिल एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि संक्रमण का कोई गंभीर केस आ जाता है तो उनके इलाज के लिए कारगर एंटीबायोटिक नहीं होती। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि गंगा जल में पाया गया नया बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में वरदान साबित होगा, खासकर तब जब दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके इलाज में एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2019 में ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से दुनिया भर में करीब 13 लाख लोगों की जान चली गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।